हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानदीप एक्सपेरिमेंट की एक न्यू वीडियो पे आपका स्वागत है। तो गाइस, मैंने makerbazaar.com से और भी कई थे सामान परचेस करे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। और यहाँ पे दोस्तों 1000 रुपए का सामान है, जिसमें कि दोस्तों आधी प्राइस तो एक चीज में चलेगी, और वो क्या चीज है मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लीज दोस्तों वीडियो कम्प्लीट वॉच करेगा। तो चलते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले इसे खोल लेते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये एक बक कन्वर्टर है। ये बेसिकली एक छोटा सा माइक्रो बक कन्वर्टर है, जो कि मैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ। ये दोस्तों वोल्टेज को डाउन कर सकता है, वोल्टेज को अप नहीं कर सकता। ये बेसिकली स्टेप डाउन मॉड्यूल है छोटा सा, जो कि मैं अपने आने वाले की छोटे मोटे प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ। और मेरे पास ये नहीं था, तो मैंने इसे परचेज करने की सोचा, और मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको परचेज किया। और देखूंगा कि मैं इसे कौन सा प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ। और ये काफी अच्छा वोल्टेज को डाउन कर सकता है, इसमें कोई लाइट वगैरह नहीं लगी, ये बस नॉर्मली एक छोटा सा बक कन्वर्टर है। और इसकी प्राइस दोस्तों मुझे पड़ी है 49 रुपीज। उसके बाद दोस्तों ये डबल ए सेल होल्डर है, बेसिकली ये डबल ए टू सेल होल्डर है, जो कि सीरीज में कनेक्ट होंगे। और ऐसे मैंने 10 पीस ऑर्डर करे है। ये होल्डर मैंने इसलिए परचेज किया ताकि मैं इनका जो स्प्रिंग है वो मैं ले सकूं, जिससे कि मैं अपने आने वाले प्रोडक्ट में लिथियम आयन के लिए बैटरी होल्डर बना सकूं। और ये मुझे दोस्तों काफी सस्ते में पड़ रहा था, इसलिए मैं परचेज कर लिया। ये मुझे 10 पीस 119 रुपए का पड़ा है, यानी कि दोस्तों एक पीस मुझे सिर्फ 11.9 रुपए का पड़ा है। आप 12 रुपए मान सकते हो, तो 12 रुपए में मुझे ये सब मिल जाएंगे, जिससे कि मैं आसानी से मतलब कोई भी बैटरी का होल्डर बना पाऊंगा, छोटी हो या बड़ी। तो इसलिए मैंने इसको परचेज किया। और ये जो स्प्रिंग है ना, ये मुझे मतलब सस्ते में मिलते नहीं, आपको बहुत महंगे मिलेंगे, और मिलते भी नहीं, इसलिए मैंने इसको परचेज किया, जिससे कि मैं इनका स्प्रिंग निकाल के कई सारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे छोटे छोटे SPST रॉकेट स्विच ऑर्डर किए। ये दोस्तों माइक्रो स्विच है, इससे बड़े भी आते हैं, लेकिन मैं छोटे वाले ऑर्डर किए, तो ये काफी यूजफुल होंगे, और ये काफी अच्छी तरह से मतलब करंट लेके जा सकते हैं, 2-3 एम्पीयर आसानी से लेके जा सकते हैं, जो कि काफी सारे प्रोजेक्ट में काम आएंगे। क्योंकि जो बड़े बड़े स्विच होते हैं ना, वो मतलब हर जगह फिक्स नहीं होते, तो इसको मैं आसानी से कहीं भी लगा पाऊंगा, कभी छोटा सा कभी क्यूट सा है। तो ऐसे मैंने 10 पीस ऑर्डर करे, जो कि मुझे 49 रुपीज का पड़ा है। उसके बाद तो ये है मॉसफेट, जो कि IRFJ44N। तो इसे मैंने बेसिकली परचेज इसलिए किया ताकि मैं देखना चाहता था कि जो मॉसफेट आता है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं। और दोस्तों यकीन मानिए, ये जो मॉसफेट है बिल्कुल ओरिजिनल है, और दोनों ही दोनों मॉसफेट अच्छे से वर्क कर रहे हैं। मैंने ये मॉसफेट टेस्टर बनाया था, ये NPN के लिए है, तो इसलिए मैं इसमें टेस्ट करा, और दोनों ही आप लोग देखे तो काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही जो मॉसफेट है बिल्कुल सही कंडीशन में और बिल्कुल ओरिजिनल है। तो मैंने ऐसे दो इसलिए परचेज किया ताकि मुझे देखना था कि ये असली है भी नहीं। तो दोस्तों अभी जब पता चल चुका है कि असली है, तो मैं आगे भी और भी ऑर्डर करूंगा बहुत सारा, जो कि मुझे और सस्ते में पड़ जाएगा। तो ये 2 पीस मुझे 50 रुपए का पड़ा है, यानी कि पर पीस आपको 25 रुपए देने पड़ेंगे। और दोस्तों ऑफलाइन मार्केट में ये 25 के आसपास ही मिलता है। उसके बाद तो ये है टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर, जो कि 2 पिन वाला है, और ये दोस्तों मतलब पजल की तरह, ये आप दो आसानी से जोड़ सकते हो, 2, 3, 4 कितने भी यहाँ पे जोड़ सकते हो। और ये ना काफी यूजफुल है, काफी जगह काम आता है, कोई भी अगर PCB अगर मतलब सर्किट बना रहे तो मतलब इसमें ये काफी काम आता है। तो बेसिकली जो मैं दोस्तों इन्वर्टर बनाने वाला हूँ एज ब्रिज, तो उसमें ये काफी काम आएगा, तो इसलिए मैंने इसे परचेज किया है। तो ये मैंने 5 पीस परचेज किए, इनकी कीमत है दोस्तों 30 रुपीज। उसके बाद दोस्तों मैंने 2 BO मोटर्स ऑर्डर किए हैं। ये दोस्तों मतलब मैंने इसलिए ऑर्डर किए क्योंकि इसका जो गियर सिस्टम है ना, वो मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने इसको परचेज किया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने जब अपना ट्रक बनाया था उसमें मैंने इसका गियर यूज किया था, तो मेरे पास ऐसे 3-4 और भी है, लेकिन मैंने और 2 इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि बाय चांस अगर मुझे गियर की जरूरत पड़ती है तो इससे मैं निकाल पाऊंगा, इसलिए मैंने 2 और ऑर्डर किए हैं। और दोस्तों ये दोनों ही काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। और दोस्तों ये 12 शाफ्ट वाला है, और इसकी एक की कीमत है 48 रुपीज़। तो मैंने 2 पीस ऐसे परचेज किए हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने परचेज किया 1 वाट की हाई पावर LED, जो कि दोस्तों थोड़ी बटन टाइप है। और दोस्तों ये जो LED है ना, काफी ब्राइट होती है और काफी करंट खींचती है, मतलब बहुत ही मतलब ब्राइट होती है, अगर आपकी आंखों में आ गए ना तो आप अंधे भी हो सकते हो, इसलिए इसको आंखों में तो बिल्कुल नहीं मारना है। तो बेसिकली मैंने इसे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बनाया, जिसमें कि मैं टॉर्च वगैरह बनाऊंगा, लाइट बनाऊंगा, तो उसमें मैं इसका यूज करूंगा। और यहाँ पे आप लोग देखें तो ये कितनी ब्राइट है, मैंने अंधेरा कर दिया और कितने अच्छे से ये रोशनी दे रहा है, ये मतलब बहुत ही एक LED इतनी ब्राइट है कि आपके ऊपर कमरे को रोशनी कर सकती है। लेकिन दोस्तों ये ना बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, इसे हम ना डायरेक्ट मतलब 4 वोल्ट से नहीं चला सकते, मतलब आप इसे डायरेक्ट लिथियम आयन बैटरी से भी नहीं चला सकते, ये खराब हो जाएगा। इसके पीछे आपको हीट सिंक लगानी पड़ेगी। इसे हम 3 से लेके 3.1 या 3.2 वोल्ट तक ही चला सकते हैं, उससे ऊपर अगर जाओगे तो ये 1 एम्पीयर का करंट कंज्यूम करता है, जो कि LED को मतलब बहुत ही जल्दी खराब कर देगा। ये 3 से लेके 3.2 वोल्ट में बेस्ट वर्क करता है। तो ये पर पीस 5 रुपए के हिसाब से आता है, तो मैंने ऐसे टोटल 8 पीस ऑर्डर किए हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने एक ऑर्डर किया लिथियम आयन बैटरी, लेकिन दोस्तों ये डबल साइज की है, ये नॉर्मल 1800-650 नहीं है, ये दोस्तों 14500 है, यानी कि दोस्तों ये जो नॉर्मल डबल साइज की जो सेल साथ है उसकी साइज की है, लेकिन दोस्तों ये 3.7 वोल्ट की है और ये 600 mAh की होती है। ये बैटरी मैंने इसलिए परचेज किया क्योंकि मेरे पास ऐसा बैटरी नहीं था और मैं देखना चाहता था ये बैटरी कैसे काम करती है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये 4 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि ये दोस्तों 1.5 वोल्ट की बैटरी नहीं है, ये लिथियम आयन बैटरी है, ये मतलब डबल साइज वाली है, और ये काफी सारे प्रोजेक्ट में काम आता है, छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें आप इसे लगा सकते हो, और उससे काफी क्यूट है, इसलिए मैंने इसको परचेज करा है। और इसकी कीमत है दोस्तों 39 रुपीज़, बहुत ही कम में दोस्तों मुझे मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 प्रोपेलर्स ऑर्डर किए रहे, मैं बेसिकली और भी ऑर्डर करूंगा, बस मुझे देखना था कि कैसे प्रोपेलर आते हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छे प्रोपेलर आए, तो मैं इसे आगे और भी ऑर्डर करूंगा, इससे मैं ड्रोन वगैरह बना सकता हूँ या फिर दोस्तों फैन भी बना सकते हैं, इससे हम छोटे मोटे दोस्तों हैंड फैन बना सकते हैं, जो कि गर्मियों के दिन में काफी काम आएंगे। और ये दोस्तों काफी हाई स्पीड का मोटर में मैंने इसको लगाया है और ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है और काफी तेजी से हवा फेंक रहा है, मैं अपने हाथों में महसूस कर सकता हूँ। तो ये 2 पीस मुझे पड़े 10 रुपए के, एक पीस आपको 5 रुपए का मिलेगा।
उसके पास तो ये रहा एक आईसी जो कि है दोस्तों CD4047। इसी से दोस्तों मैं अपना इन्वर्टर बनाने वाला हूँ। तो बेसिकली आप ऐसा मान सकते हो कि ये मेरे इन्वर्टर का ब्रेन होगा। तो बेसिकली मैं इन्वर्टर के लिए भी काफी सारी चीजें ऑर्डर करे, तो उसके लिए ये मैंने आईसी ऑर्डर करे। मुझे बस देखना था कि ये ओरिजिनल आता है कि नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ओरिजिनल आईसी है, आप लोग इसकी क्वालिटी कितनी मस्त है। तो ऐसे मैं और भी ऑर्डर करूंगा आगे। तो इसकी कीमत मुझसे ₹19 पड़ी है। उसके बाद तो फाइनली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिसमें कि ₹500 चला गया, मतलब बाकी सारा सामान का प्राइस मिला के इसका प्राइस होता है, मतलब ये अकेला ही ₹500 का है और बाकी सारी चीजें ₹500 की है। तो दोस्तों ये है दोस्तों ब्रूस ESC जो कि मैंने अपने आने वाले ट्रक के लिए परचेस किया है, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं फ्लाई स्काई का रिमोट यूज करने वाला हूं। उसमें दोस्तों हम डायरेक्ट DC मोटर को नहीं चला सकते, उसके लिए हमें ESC की जरूरत पड़ेगी। तो उसी के दोस्तों मैंने इसे परचेस कराए और ये ESC दोस्तों मुझे ₹500 का मिला है। अगर आप अमेजोन में इसे देखोगे ना, ये आपको ₹800 के नीचे तो मिलेगा ही नहीं, ये आपको अमेजोन में ₹800 का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ ₹500 में मिल चुका है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही सस्ता है। तो अगर आप लोग अपने ट्रक की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से दबा देना, ताकि वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बेसिकली दोस्तों इतने सारे सामान मैंने आज ऑर्डर करे, और दोस्तों मैंने एक और पार्सल ऑर्डर करे जो कि और 2-3 दिन बाद आएगा, तो उसको भी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा दूंगा। तो चलो गाइस आज के वाली वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर से कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।